हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक और रेसिपी शेयर करने है जिसका नाम है आइसक्रीम। तो आज मैं आपको एक नए तरीके से आइसक्रीम बनाने की मेथड बताने जा रही हूँ, जिसके लिए इंग्रेडिएंट्स बहुत इजीली है। जो भी इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ करेंगे वो घर के ही रहेंगे, तो ये आइसक्रीम बहुत ही टेस्टी बन करके रेडी होती है। आप प्लीज़ इसे ट्राई करें। और ये आइसक्रीम हम घर पर ही बनाएंगे और इनके इंग्रेडिएंट्स भी घर। आइसक्रीम मैं वेनिला कस्टर्ड पाउडर से बनाऊंगी, इसका फ्लेवर मैं यूज़ करूंगी। आप चॉकलेट फ्लेवर या तो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं कस्टर्ड पाउडर, वेनिला कस्टर्ड पाउडर का यूज़ करूंगी यहाँ पर। तो इसके लिए आपको चाहिए मिल्क, आप मिल्क आपके हिसाब से भी ले सकते हो। मेरे पास है ये 2 गिलास मिल्क है मेरे पास, दूध। इसके बाद ये मेरे पास शुगर है, 7 से 8 चम्मच शक्कर है, शुगर। इसके बाद मेरे पास मैदा है, मैंने 1 चम्मच मैदा लिया। इसके बाद ये मेरे पास कस्टर्ड पाउडर 1 चम्मच। इसके बाद ये मेरे पास ये मिल्क मसाला है। इसके बाद ये मेरे पास इलायची पाउडर है और ये मेरे पास काजू बादाम है, गार्निश करने के लिए यूज़ करेंगे। इसके बाद ये मेरे पास क्रीम है, ये व्हिप्ड क्रीम मैंने घर पर ही बनाया है, व्हिप्ड क्रीम है। और ये व्हिप्ड क्रीम मैंने मलाई से बनाया है, मैं इसका भी यूज़ करूँगी। इससे हमारी जो आइसक्रीम रहेगी वो बहुत क्रीमी टेक्सचर की बनेगी और बहुत ही टेस्टी बनेगी। ये व्हिप्ड क्रीम मैंने घर पे बनाया है और इससे हमारी आइसक्रीम क्रीमी फ्लेवर की क्रीमी क्रीमी बनेगी। ये हमारे इंग्रेडिएंट्स इतने ही यूज़ करेंगे हम आइसक्रीम बनाने के लिए। तो हम सबसे क्रीम बनाने के लिए मैंने फ्लेम ऑन कर लिया है, मैंने मीडियम फ्लेम कर लिया और मैंने दूध को गर्म होने के लिए रख दिया। आपको दूध को गर्म होने के लिए रख देना है, इसमें उबाल आने देना है। उबाल आने पर आपको फ्लेम को लो कर लेना है। तो ये दूध हमारा बॉईल हो रहा है, ये हमारा दूध बॉईल हो रहा है जब तक ये मैं हमारा कस्टर्ड पाउडर और मैं अपना जो हमारा मैदा था इन दोनों का पेस्ट बना लेती हूँ। इसमें मैं कुनकुना या गरम दूध डाल के से पेस्ट बना लेती हूँ इसका। तो मैं इसमें गरम दूध डाल दूँगी थोड़ा सा दोनों में और इसका पेस्ट तैयार करूँगी दोनों का। देख सकते कि मैंने इसमें दूध डाल लिया, मैं इसे पेस्ट बना लूँगी, इसे मिला लूँगी। कस्टर्ड पाउडर और हमारे मैदे को दोनों में मैंने दूध डाल दिया और अभी इसका पेस्ट रेडी कर रही हूँ। आप देख रहे हैं कि हमारे दूध में भी बॉईल आ चुका है, तो मैं इसका फ्लेम लो कर दूंगी। लो फ्लेम पे मैं इसे उबालने दूंगी और मैं इसे मिला देती हूँ। लो फ्लेम पे मैं इसे उबलने दूंगी जब तक कि ये दूध आधा नहीं हो जाता। हम इसे मिला रहे हैं, आप देख रहे हैं कि इसमें अच्छा सा बॉईल आ चुका है। हमें इसमें धीरे धीरे अपना जो हमने पेस्ट बनाया था वो आपको दिखा देती हूँ। अब हम धीरे धीरे वो इसमें डालेंगे। ये हमने मैदे का पेस्ट रेडी कर लिया है और ये हमने कस्टर्ड पाउडर का भी कर लिया है, आप देख सकते हैं मैंने दोनों का पेस्ट रेडी कर लिया। अब इसमें हम धीरे धीरे इसमें डालेंगे। इससे पहले हम इसमें शुगर भी ऐड कर देते हैं। अब आपको इसे मिला देना है, शुगर ऐड कर दी हमने इसमें, अब ये डिजोल्व हो जाए इतनी देर आपको इसे मिला देना है। देख रहे कि इसमें बॉईल आ रहा है, मैंने इसमें शुगर भी ऐड कर दी। अब मैं धीरे धीरे ये हमारा जो पेस्ट हमने रेडी करा था ये डालूंगी। तो ये मैं मैदे का पेस्ट जो हमने रेडी करा था ये डाल रही हूँ फ्लोर। आपको धीरे धीरे से ऐड कर देना और मिला देना है। फ्लेम आपका लो होना चाहिए। हम मिलाते रहेंगे इसको और अब ये गाढ़ा हो जाए इतनी देर आपको इसे मिक्स करना है। अब मैं इसमें अपना कस्टर्ड पेस्ट भी डाल दूंगी, ये जो कस्टर्ड वाल पाउडर का पेस्ट हमने तैयार करा था ये भी डाल देते धीरे धीरे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेना और ये गाढ़ा हो इतनी देर आपको इसे उबलने देना है। ये देख रहे हैं आप इसकी कंसिस्टेंसी कि धीरे धीरे गाढ़ा हो रहा है ये हमारा दूध, ये आप देख सकते हैं। देख रहे हैं आपकी इसमें अच्छे से उबाल आ गया और ये कितना इसकी कंसिस्टेंसी कितनी गाढ़ी हो चुकी है।
अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी और ये ठंडा होने पे और गाढ़ा होएगा, इसलिए मैं फ्लेम ऑफ कर देती हूँ और इसे ठंडा करूंगी। अब मैं फ्लेम बंद करने के बाद मैं इसमें इलायची पाउडर और मिल्क मसाला हमारा और हमारा ड्राई फ्रूट सब ऐड कर देती हूँ और इसे मिला लूंगी अब। और इसे आपको ठंडा होने देना है। मिल्क मसाला भी अभी ऐड करना है आपको, जिससे कि इसमें केसर का फ्लेवर अच्छे से आ जाए। अब आप इसे ठंडा होने दें। मेरा जो आइसक्रीम का मिक्सर था, मिक्सर ये तैयार हो गया मिक्सर, तो अब हम इसे देख सकते हैं आप, ये ठंडा हो गया है। मैंने इसे ठंडा करने के लिए रखा था तो ये ठंडा हो गया और गाढ़ा भी हो गया। ठंडा करने पे ये इसकी कंसिस्टेंसी और गाढ़ी हो जाती है। अब मैं इसे मिक्सी में घुमा लूँगी, तो मैं इसे जार में निकाल लेती हूँ। तो आपको इसे जार में निकाल लेना है। ये जार में निकालने के बाद आप इसे मिक्सी में घुमा ले, तो मैं इसे अब मिक्सर में मिक्सी में पीस लेती हूँ। एक बार अच्छे से आपको इसे घुमा लेना है, जिससे कि ये पेस्ट पूरा एक स्मूथ पेस्ट बन करके रेडी हो जाए। ये मैंने मिक्सी में घुमा लिया था हमारी आइसक्रीम के पेस्ट को। अब मैं देखती हूँ, इसे चेक कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये कितना क्रीमी फ्लेवर का दिख रहा है। ये हमने से घुमा लिया था स्मूथली, ये बहुत स्मूथ हो चुका है, ये देख सकते हैं आप। ये हमारा पेस्ट बन गया है आइसक्रीम का, आप देख सकते हैं कितना क्रीमी फ्लेवर का बना है। ये देख सकते हैं आप कितना झागदार बना है। अब मैं इसे हमारे कंटेनर में निकाल लेती हूँ। आपको इसे निकाल लेना है। तो ये हमने एक कंटेनर में हमारी आइसक्रीम का पेस्ट निकाल लिया है। अब ये जो हमारी क्रीम थी व्हिप्ड क्रीम, मैं इसे इसमें मिलाऊंगी। और ये व्हिप्ड क्रीम की रेसिपी मैं आपको शेयर कर चुकी हूँ, और इस व्हिप्ड क्रीम को आप इसमें मिलाएंगे तो आपकी आइसक्रीम बहुत ही क्रीमी फ्लेवर की बनेगी और बहुत ही टेस्टी बनेगी। और ये व्हिप्ड क्रीम मैंने घर पर ही बनाया है, तो अगर आपको इसकी रेसिपी देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक शेयर कर दूंगी कि व्हिप्ड क्रीम हम घर पे कैसे बना सकते हैं। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेंड कर दूंगी। तो अब ये व्हिप्ड क्रीम मैं इसमें मिलाऊंगी, आप देख सकते हैं। ये डालने के बाद आपको इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है धीरे धीरे। मैं एक कटोरी व्हिप्ड क्रीम पूरी डाल रही हूँ इसमें। एक बार मैं इस मशीन से इस आइसक्रीम को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, जिससे कि हमारी जो क्रीम थी वो इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये हमने अच्छे से इसे व्हिप कर लिया है। अब आप अच्छे से इसे मिक्स कर ले। अब आप इसे एक बॉक्स में या तो आइसक्रीम मोल्ड में इसे सेट होने के लिए रख दे। ये हमारी क्रीमी फ्लेवर की आइसक्रीम बन के रेडी होगी। मैं इसे एक कंटेनर में डाल देती हूँ जमने के लिए।
ये आइसक्रीम हमने कंटेनर में निकाल दिया, अब हम इसे टैप कर लेंगे जिससे कि इसके बबल्स निकल जाए इसमें। अब हम इसमें इसको ऊपर से आप गार्निश कर सकते हो आपके ड्राई फ्रूट से। मैं मिल्क मसाले से कर रही हूँ, मैं मिल्क मसाला ऊपर से स्प्रेड कर दूंगी। तो ये हमने ऊपर से मिल्क मसाला स्प्रेड कर दिया, देख सकते हैं आप कितने अच्छा इसका रंग आ गया, फ्लेवर आ रहा है। तो मैं इसे फ्रिज में 8 से 9 घंटे सेट होने के लिए रख दूंगी, उसके बाद आप इसे निकाल ले, ये 8 से 9 घंटे में अच्छे से सेट हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं हमारी आइसक्रीम का कलर और फ्लेवर कितना टेस्टी, और ये बहुत टेस्टी भी बनेगी। ये न्यू टाइप से जो हमने आइसक्रीम बना के आज आपको बताई, आप प्लीज़ इसे ट्राई करें। ये बहुत ही अच्छी लुक की बनी है और बहुत ही टेस्टी बनती है, इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। तो प्लीज़ आप इसे ट्राई करें। आप जो हमने वेनिला कस्टर्ड पाउडर लिया था उसकी जगह आप चॉकलेट फ्लेवर या स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का भी यूज़ कर सकते हैं। हमें इसे 8 से 9 घंटे डीप फ्रीजर में सेट होने के लिए रख, आप इसे ऊपर से कवर करके डीप फ्रीजर में रख दे। देख सकते हैं कि हमारी आइसक्रीम हमने 8 से 10 घंटे के लिए फ्रीजर में रख दी थी, तो ये सेट हो चुकी है। अब हम इसे निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारी आइसक्रीम जम के रेडी हो चुकी है। और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके बाय।